अस्सलाम वालेकुम गाइस, सिक्स सिस्टर रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं जीनत, मैं आज आपके साथ मैंगो चना चाट की रेसिपी और पेटी पत्री की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए काला चना, जो रात भर हमने भिगो के सुबह में प्रेशर कुकर में आलू नमक डाल के हमने इसको पका लिए हैं। अब ड्राई मसाला, काला स्पेशल मसाला, ड्राई पुदीना और चाट मसाला। ड्राई पुदीने की रेसिपी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और एक आम, आम इसी तरीके का खट्टा मीठा आम लीजिए। आलू जो मैंने चने के साथ बॉयल की थी उसको मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, कांदा बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ और एक नींबू। अब चने में कांदा, हरी मिर्च, टमाटर, बॉयल किया हुआ आलू, मैंगो और खाला स्पेशल मसाला, चाट मसाला और पुदीना। अगर पुदीना की पत्तियां नहीं है तो आप, ड्राई पुदीना नहीं है तो पुदीना की पत्तियां भी आप ले सकते हैं। खाला स्पेशल मसाला की रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और एक नींबू डाल के अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। बहुत टेस्टी बनता है ये चाट, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मैंगो नहीं है फिर भी आप इसी तरीके का चाट बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, खट्टा मीठा तिक्का और कांदे का क्रिस्पीनेस ये बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ड्राई पुदीना बनाने के लिए मैंने पुदीने के पत्तियों को धो के एक प्लेट में रख दी हूँ। इसको मैंने ऊपर कपड़ा सुखा कपड़ा डाल के 4-5 दिन के लिए मैंने ऐसे ही, जिधर धूप नहीं आता मैंने वहाँ पे इसको सूखने के लिए रख दी थी। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लीजिए और इसको स्टोर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बहुत दिन तक का ये चलता है। आप जैसे आप पुदीना की पत्तियाँ यूज़ करती है कोई जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं। पिट्टी पत्री बनाने के लिए रेसिपी, पिट्टी पत्री के लिए मैंने आटा पहले ही तैयार कर दी हूँ। जैसे हम पूरी के लिए आटा बनाते हैं नमक और पानी के साथ, उसी तरीके से हमें आटा बनाना है। ये पत्री मशीन अगर आपके पास हो तो इसमें ही बनाइए, अगर नहीं है तो आप बेलन के मदद से भी बना सकते हैं। ये चिकन का स्टफिंग बनाई हूँ मैंने। इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया बुकी, अदरक लहसुन और चिकन का खीमा, नमक, दाल, कांदा डाल के मैंने इसको स्लो आँच पे सूखा होने तक इसको पकाई। अब एक बॉयल अंडे को बारीक काट के इसमें डालिए और ऊपर से दूसरा एक पूरी बना के उसके ऊपर रखिए और साइड साइड उसको अच्छे से सील करके इस तरीके के कटर में उसको शेप दीजिए। अगर इस तरीके का कटर नहीं है तो कोई भी प्याला यूज़ कर सकते हैं। अब इसको डीप फ्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। अभी बारिश में तो शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइए। नॉर्मली हम लोग घर में तो चिकन का कुछ सूखा टाइप में या बनाते हैं, उसको भी हम स्टफिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चिकन का खीमा का भी स्टफिंग बना सकते हैं, मटन का भी बना सकते हैं। ये इसमें मैंने अंडे को बारीक काटी नहीं हूँ, आधा अंडा रख के मैंने ऊपर से पूरी रख दूसरा एक पूरी रख के दोनों साइड से अच्छे से सील करके मैंने इसको कटर के मदद से शेप दी हूँ और डीप फ्राई की हूँ। चिकन, मटन या वेजिटेबल का कोई भी स्टफिंग आप इसके अंदर रख के, अंडा रख के आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छा बनता है। इसको केरला में पिट्टी पत्री बोलते हैं। इसको स्क्वायर में भी बना सकते हैं। देखिए हमारा पिट्टी पत्री रेडी हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।